झारखंड में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। बोकारो में नक्सलियों ने रेलवे के तोहरीकरण कार्य में लगी कई मशीनों को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि जगेश्वर बिहार से लेकर दनिया के बीच बोकारो नदी में रेल पुल तैयार किया जा रहा था। नक्सलियों ने यहां काम पर लगी जेसीबी जनरेटर समेत कई मशीनों को फूंक डाला, साथ ही निर्माण कर रही कंपनी के कैंप कार्यालय में भी आग लगा दी। घटना कल रात 8 बजे की है, जो मिथिलेश माथुर नक्सल दस्ता द्वारा यहाँ पे जो काम किया जा रहा है रेलवे का, रेलवे डबलिंग लाइन का जो पुल कंस्ट्रक्शन का, उसी में जो लगा हुआ जे सी बी मशीन का और जो लेबर लोग के लिए बनाया सेट और एक जनरेटर का जलाया गया सर। जो इस संबंध में हम लोग अभी सर्च अभियान चलाया है, झारखंड जगुआर ये जो एसटीएफ का टीम, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस, ये सब मिला के सर्च अभियान एरिया में चल रहा है। इस संबंध में कोई जो में जो नक्सल दस्ता इन्वॉल्व है उसी के खिलाफ में कार्रवाई किया जाए। सीआरपीएफ और पुलिस मिलकर इस पूरे मामले में पिछले कई दिनों से अभियान चला रही हैं। नक्सलियों ने इस तरह की घटना को अंजाम देकर सीआरपीएफ और पुलिस को चुनौती दी है। अब देखना होगा कि सुरक्षा बलों का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।